दोस्तों फिर हम बात करेंगे हार्वेस्ट फाइनेंस के फॉर्म टोकन के प्राइस मूवमेंट के बारे में, एंट्री लेवल अपडेटेड लेवल्स और आने वाले दिनों में कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे। करंटली कॉइन 49.8 USD पर ट्रेड कर रहा है, एक बहुत अच्छे लेवल पर अभी भी इस कॉइन में पोस्टी है जहां से ये कॉइन आपको क्विक प्रॉफिट देगा और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है। बात करेंगे कौन से बेस्ट एंट्री पॉइंट्स रहेंगे और आने वाले दिनों में कॉइन के टारगेट्स क्या रहेंगे, एज अ ट्रेडर लॉन्ग टर्म और शॉर्ट टर्म के पर्सपेक्टिव से किन एरियाज पर नजरें बनाए रख सकते हैं, ओवरऑल सारी चीज़ों के बारे में बात करेंगे इस वीडियो में। उससे पहले जो नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, उनके लिए हमने प्रीमियम सर्विस स्टार्ट की है ताकि वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जा सके, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपनी क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हो, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। करंटली कॉइन 49.8 USD पर ट्रेड कर रहा है और रीसेंट जो डंप हुआ था वहां पर इस कॉइन ने ऑलमोस्ट 35 USD का लो बनाया था। उस लेवल से अभी तक इस कॉइन ने अच्छी रिकवरी की है, लगभग 35% से ज़्यादा की रिकवरी इस कॉइन में, 40% तक की रिकवरी इस कॉइन में उस लेवल से देखने को मिली है। और अगर बात करें ब्रेकआउट की तो रिसेंटली इस कॉइन ने अप्रैल मंथ में एक अच्छा खासा ब्रेकआउट लिया था, जो कि 45 USD वाले लेवल से था, 200% से ज़्यादा का ब्रेकआउट था। उसके बाद से कॉइन ने ड्रॉप लिया और 128 से इसने जो ड्रॉप लिया था वहां पर ये कॉइन हमें लगभग 70% के डिस्काउंट के अंदर मिल रहा था, जहां पर ऑलरेडी हमने इस कॉइन में एंट्री आपको सजेस्ट की है। 10th ऑफ जुलाई को 41 USD की एंट्री है हमारी और वहां से आपके पोर्टफोलियो में भी 20% का प्रॉफिट होगा। लेकिन अभी भी जैसे कुछ लोग ऐसे हैं जिन्होंने उस टाइम पर कॉइन्स में एंट्री नहीं ली क्योंकि लगातार BTC ड्रॉप हो रहा था, अल्ट्स कॉइन ड्रॉप हो रहे थे, तो थोड़ा सा फियर का माहौल था, तो वो जो फियर का माहौल है वो खत्म हो गया है। अब उनको थोड़ा सा यहाँ पर लग रहा होगा कि यार वहाँ पर एंट्री ले लेते तो अब हमें प्रॉफिट हो रहा होता, तो अभी उनको कन्फ्यूज़न है कि किस कॉइन में एंट्री ले, आप किस कॉइन में एंट्री ले जो कि डंप नहीं करेगा, जो कि क्विक ब्रेकआउट लेगा। तो ऐसे कॉइन्स में आपको बैक टू बैक शेयर कर रहा हूँ, अभी भी कुछ कॉइन्स मिले वाले, जिसमें ये कॉइन भी एक बहुत अच्छा कॉइन है, जिसमें हम सबसे पहले सपोर्ट एंड रेजिस्टेंस लेवल की बात करेंगे। उससे पहले आपको यहाँ पर कमेंट करके बताना है अगर आपने हमारे वीडियोज़ के थ्रू किसी भी कॉइन में एंट्री ली है, आपने प्रॉफिट जनरेट किया है, तो यहाँ पर कमेंट करके ज़रूर बताएं। 49.7 पर ट्रेड कर रहा, कल की क्लोजिंग 49 USD के अराउंड में हुई है। 48 USD वाला लेवल इंपॉर्टेंट रेजिस्टेंस लेवल है इस कॉइन के लिए, जिसको इसने सपोर्ट बना लिया है। नीचे की तरफ ऑलमोस्ट 40 USD वाला यहां पर सपोर्ट था, अभी ऊपर 58 के अराउंड में इस कॉइन को रेजिस्टेंस फेस करने को मिलेगा। वीकली में पिछले वीक की क्लोजिंग 43-44 USD के अराउंड में हुई है, उसके बाद वाले वीक में भी अच्छी खासी ग्रीन कैंडल देखने को मिल रही है, जहां पर 42 USD वाला लेवल वीकली में इस कॉइन को सपोर्ट है और एक बहुत अच्छा पाउंस पे एक लेवल है 54 USD वाला नेक्स्ट रेजिस्टेंस लेवल। जैसे ही ये कॉइन 54 से ऊपर वीकली क्लोज करता है तो 70 से लेके 80 USD तक का टारगेट इस कॉइन का क्लियर हो जाएगा, वहाँ तक ये कभी भी ब्रेकआउट ले लेगा सिंगल डे के अंदर ही। इसमें इस टाइप का ब्रेकआउट जैसे प्रीवियसली जो इस टाइप के ब्रेकआउट हमने इस कॉइन में देखे हैं, सिंगल डे में अच्छे ब्रेकआउट इस कॉइन में देखने को मिलते हैं। अब बात करते हैं एंट्री की। देखिए 49.7 पर ट्रेड कर रहा है, थोड़ा सा आपको वेट करना पड़ेगा एक अच्छे लेवल के लिए, वो लेवल है 47.5 का, यानी कि लगभग 4-5% के करेक्शन का आप वेट करेंगे तो उस लेवल पर आपको एंट्री मिल जाएगी और आपको हो सकता है एक दो दिन का वेट करना पड़ सके, लेकिन आपको वेट करना, जल्दीबाजी में ऊपर एंट्री नहीं लेनी। 47.5 पर फर्स्ट एंट्री जो कि आपको 70% पार्ट से लेनी है, और अगर वापस थोड़ा सा क्योंकि BTC के लिए जो 66 वाला जोन है वो थोड़ा सा क्रिटिकल है, वहाँ से एक बार रिजेक्शन फेस करने को मिला है, वापस अगर रिजेक्ट होता है तो बिटकॉइन के साथ साथ अल्ट्स कॉइन थोड़ा सा ड्रॉप हो सकते हैं, नहीं तो फिर मूव कर जाएंगे और 70,000 वाला इंपॉर्टेंट लेवल है। तो इस टाइप की अगर फ्लक्चुएशन होती है तो सेकंड लेवल आपका 43 का रहेगा, जहां पर बाकी 30% पार्ट से एंट्री लेनी, इस टाइप से 70-30 के रेशो में बाय करना है। अब यहां से क्विक टारगेट में ये कॉइन 55 से लेकर 60 USD को ट्राई करेगा, जहाँ पर क्विक और फर्स्ट टारगेट आपका 58 USD का, जहाँ आपको 60% पार्ट सेल आउट करना है, और सेकंड टारगेट रहेगा यहाँ से 63 USD का, जहाँ पर बाकी 40% पार्ट सेल आउट करना है, टाइप से 60-40 के रेशो में 58 और 63 पर सेल करना है। जो शॉर्ट टर्म वाले हैं जो थोड़ा सा वेट कर सकते हैं एटलीस्ट 4-6 वीक या 1 मंथ से लेकर 2 मंथ तक का, वो 68 USD तक का टारगेट रखेंगे, जहाँ पर आपको 100% पार्ट सेल आउट करना है, टाइप से जो भी आपका पर्सपेक्टिव है
उस बेसिस पर टारगेट लगा देने हैं और लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है, लॉन्ग टर्म में होल्ड करने पर आपके पोर्टफोलियो में कॉइन बहुत अच्छा प्रॉफिट मेंटेन करेगा। लॉन्ग टर्म पोटेंशियल कॉइन है, आने वाले टाइम में 100 USD 150 को ये 2024 के एंड या उससे पहले ही ट्राई करेगा। इसके अलावा जो भी नए इन्वेस्टर ट्रेडर मार्केट में आए हैं जिनको ज़्यादा नॉलेज एक्सपीरियंस नहीं है, हमारी प्रीमियम मेंबरशिप में एनरोल करें, वहाँ पर आपको प्रॉपर गाइडेंस, प्रॉपर स्टडी शेयर की जाएगी, क्रिप्टो क्वेरीज अपडेटेड लेवल सिग्नल शेयर किए जाएंगे और भी बहुत सारे बेनिफिट्स हैं। जो भी अपने क्रिप्टो जर्नी प्रॉफिटेबल स्टार्ट करना चाहते हैं, क्रिप्टो लॉसेस से बचना चाहते हो, इंस्टा पर DM करके ज्वाइन कर सकते हैं। इंस्टा की लिंक वीडियो के डिस्क्रिप्शन में है और हमारे फ्री टेलीग्राम चैनल की लिंक डिस्क्रिप्शन में मिल जाएगी। बाकी यहाँ पर बायो सेल खुद के रिस्क, खुद के रिसर्च के हिसाब से करें, यहाँ पर हम कोई फाइनेंस एडवाइस नहीं दे रहे, वीडियो सिर्फ एजुकेशन पर्पज से है ताकि आपको ओवरऑल कॉइन से रिलेटेड नॉलेज हो सके। वीडियो अच्छा लगा है लाइक ज़रूर करें, चैनल को सब्सक्राइब कर लें। थैंक यू।